हेलो दोस्तों, वेलकम है फिर से आपका एक न्यू वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक ये है, इसमें जैसा कि देखा था आपने E1 का एरर आया था, अब यहाँ पे देख लीजिए रूम टेम्परेचर एरर इंडोर, ये क्यों आया था और इसकी वजह क्या थी, मैं आपको एक एक करके सब बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि चैनल पे आप सब नवे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो E1 का एरर कोड आया था उसकी वजह क्या थी आपको ये जानना है, ठीक है, और मुझे यही आपको बताना है। E1 टेम्परेचर रूम टेम्परेचर का था, ठीक है, जैसा कि आपने देखा है रूम टेम्परेचर की वजह से E1 का एरर आ रहा था। अब बहुत से लोगों को पता होगा कि ये एरर क्यों आया था या क्यों आता है, ठीक है ना। अब यहाँ इसकी वजह ये थी कि मतलब इंडोर का जो कॉइल था वो मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा होने के कारण स्मोक कर रहा था, मतलब पूरा धुआं छोड़ रहा था, तो उसके वजह से वो E1 का एरर कोड आ रहा था। यहाँ पे E1 का एरर कोड आ रहा था क्योंकि वो पूरा कॉइल ठंडा हो गया था, ठंडा होने के कारण रूम का जो वहाँ के सेंसर है, सेंसर तो कॉइल को ही सेंस करेगा, ठीक है, एक कॉइल सेंसर रहता है, एक रूम सेंसर रहता है, लेकिन यहाँ पे जब वो रूम सेंसर सेंस कर रहा था क्योंकि इंडोर कॉइल बहुत ज़्यादा ठंडी हो जा रही थी, ठीक है, वो ठंडी होने का कारण ये है क्योंकि उसमें जो ब्लोअर मोटर थी अपनी, वो ब्लोअर मोटर बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। तो मैंने पहले चेक किया, चेक करने के बाद में चालू किया, चालू करके देखा तो ब्लोअर की मोटर बिल्कुल नहीं घूम रही थी, ठीक है। तो मैंने सोचा हो सकता है किसी कारण भाई नहीं घूम रही होगी, कभी कभार कैसा रहता है धक्का मारने पे भी घूम जाती है प्लेट अपना मोटर। तो मैंने ट्राई किया, ट्राई करने के बाद में फिर उसको खोला, अपना क्या बोलते हैं उसको चेक किया, फिर पैनल खोला, पैनल खोलने के बाद में मोटर का कवर खोला। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को मोटर खोलने के लिए मतलब पूरा इंडोर यूनिट का कॉइल ही खोलना पड़ा, सिर्फ एक मोटर खोलने के लिए इंडोर यूनिट का पहले एक साइड का जो अपना बुश जिस साइड में रहता है ब्लोअर का, उस साइड का दो या तीन स्क्रू थे वो खोलने पड़े मेरे को। और ये एसी जो था ये वोल्टास का एसी था, 1.5 टन का इन्वर्टर मॉडल का था। तो पहले मैंने इधर से खोला, फिर उसके बाद में इधर से पूरा कॉइल खोला, जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं आप, कॉइल को पूरा ही निकालना पड़ा क्योंकि ये इतना मतलब प्रॉब्लम जा रहा था ना, वो उसका कवर ही नहीं निकल रहा था मोटर का। ये सिर्फ एक मोटर खोलने के लिए मुझे पूरी कॉइल खोलनी पड़ी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बहुत से एसीओ में तो ऐसा नहीं होता है, पीसीबी खोल के डायरेक्ट मोटर खुल जाती है अक्सर करके, लेकिन यहाँ पे मसला कुछ उल्टा था। पहले पीसीबी खोला है मैंने, ठीक है, पीसीबी खोलने के बाद में कॉइल के ये साइड का लेफ़्ट साइड का स्क्रू खोला, लेफ़्ट साइड का स्क्रू खोलने के बाद में फिर राइट साइड में आया हूँ मैं। अब मोटर के ऊपर एक कवर था, कवर जो था वो कॉइल में अटैच था, तो वो स्क्रू खोला, उसके स्क्रू मतलब 1, 2, 3, 4, 5 स्क्रू थे उसके अंदर, 3 स्क्रू इधर साइड में थे, 2 स्क्रू लेफ्ट साइड में थे। वो स्क्रू खोलने के बाद में फिर मोटर थी अपनी नीचे में। वो मोटर खोलने के लिए पहले तो मेरे को कवर खोलना पड़ा, जैसा कि आप देखते हैं अभी यहाँ मेरे को कवर खोलना पड़ेगा, यहाँ खुल गया है वो कवर, शायद मैंने पहले दे दिया, ये मोटर अभी दिया है, ये कवर था लगा हुआ, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में था। और यहाँ पे आप देख सकते इधर के भी स्क्रू खुले हुए हैं और इधर का भी स्क्रू मतलब पूरा खोल लिया गया। तो चलो मैंने पीसीबी और मोटर
निकाल लिया था। निकाल के बाद में इसको चेक करना था। चेक करने के बाद में मैंने एक बार उसको वापस लेकर आया, पीसीबी तो चेक कर लिया हमने। यहाँ पे मोटर भी मतलब चालू हो गई थी, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये था कि आप देखिए यहाँ पे क्या कर रही थी। आप थोड़ा सा वेट करो, आपको पता चलेगा कि मोटर ये झटके मार रही थी ऑटोमेटिक ही। देखिए यहाँ पे अभी मारेगी वो, ऐसा ये थोड़ा सा वो हो गया था, वीडियो बड़ा हो गया था। हाँ ये देखिए यहाँ पे इसने झटके मारना चालू कर दिया है। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं आप, ये ऐसे झटके मार रही थी, तो मैंने इस वीडियो मतलब मोटर को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं न्यू मोटर डाल रहा हूँ, सेम टू सेम वही मोटर है, डीसी मोटर है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा लुक वाइज चेंज है बस बाकी का, और इसकी जो शाप थी वो हल्की सी थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन इससे कोई मैटर नहीं होता। ठीक है, और वायर के जो जैक थे वो भी सेम टू सेम थे बिल्कुल। और इसमें जो ओल्ड वाली मोटर है उसमें 33 वोल्ट था, इसमें 32 वोल्ट का सिर्फ इतना ही फ़र्क था, बाकी का सेम टू सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है नीचे और इसको लगाने के लिए चालू कर दिया था। तो इसको लगाना था, इसको लगाने के बाद में फिर हमने एसी को चालू किया। चालू करने के बाद में ट्रायल वगैरह सब लिया है, अच्छे से वर्क हो गया है। अब यहाँ पे लगाने की जो बारी थी, तो यहाँ पे लगाने में भी मेरे को उतना ही टाइम लगा जितना मतलब खोलने में, तो चलो 5 मिनट कम लगा, लेकिन इसको इंस्टॉल करने में मोटर को थोड़ा काफ़ी टाइम लगा मेरे को, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम जा रहा था। तो मैंने सब लगा के डायरेक्ट विदाउट कवर के एसी को चालू कर दिया। मैंने पहले ट्रायल ले लेते हैं, पूरा कंप्लीट पीसीबी वगैरह सब लगा दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे आप, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कैसा है, एक ही बार काम अगर आप अच्छे से करके देंगे तो वो सही रहता है। थोड़ा सा कैसा बाद में आगे चल के अपने को प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पे देखिए आप, मोटर चालू हो गई है, ब्लोअर घूम रहा है, मॉइस्चर वगैरह भी सब आ रहा है, कोई एरर नहीं आया अपने को अभी तक के। डिस्प्ले में देख सकते हैं यहाँ पे इसका रिमोट है। ठीक है, रिमोट का मैं सेटिंग बताने वाला था, लेकिन वो कैसा है, वीडियो बनाने के चक्कर में वो थोड़ा सा मेरे को जमा नहीं है कि हाथ से पकड़ के, तो वीडियो में बस इतना ही था। एरर कोड का जो प्रॉब्लम था अपना वो सॉल्व हो गया है। एरर कोड क्यों आया, किस वजह से आया था, क्योंकि एरर कोड इसमें इसके लिए आया क्योंकि अपन ने अपना क्या बोलते हैं इसके अंदर मोटर की वजह से एरर कोड आया था। मोटर बिल्कुल रन नहीं कर रही थी, इसके लिए कॉइल ज़्यादा ठंडा हो रहा था, ज़्यादा ठंडा होने के कारण सेंसर सेंस करके बोल दे रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।